आईपीएल 2022 में दो नया टीम का तो एंट्री हो गया है, एक है लखनऊ सुपर जायंट और दूसरा है गुजरात लायंस। तो दोनों टीमों के ऊपर तो एक दिन में वीडियो नहीं बना सकूंगा, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स के बारे में, क्योंकि इससे पहले ना मैं बहुत सारे टीमों के ऊपर ऐसा ही डेली वीडियो लेकर आ रहा हूं, और अगर वो सब वीडियो आप अभी तक नहीं देखो ना तो आई बटन पे जाकर देख सकते हो, मैं लगा दूंगा ठीक आई बटन पर। लेकिन अगर मेरे चैनल पर नए आ रहे हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो ना तो मुझे बहुत दुख होता है, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी जरूर दबा दो, क्योंकि यूट्यूब ना मेरा वीडियो को रीच नहीं दे रहा है। मतलब क्या किया हूं मैं यूट्यूब के साथ मुझे पता नहीं है, लेकिन रीच नहीं दे रहा है, तो इसके ऊपर आप लोग ही कुछ कर सकते हो, ऑल नोटिफिकेशन को दबा रखो, जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो वीडियो देख लेंगे ठीक है, तो अच्छा रहेगा, तो वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में पहले बताया लखनऊ सुपर जायंट्स के बारे में बात करेंगे, तो लखनऊ का टीम का स्क्वाड, सबसे पहले स्क्वाड के बारे में एनालिसिस करेंगे कि स्क्वाड कैसा हुआ है, उसके बाद स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 क्या बन सकता है 2022 का आईपीएल के लिए लखनऊ की टीम का, उसके ऊपर गौर देंगे ठीक है, और लास्टली हम बात करेंगे कि कैसा रेटिंग मिल सकता है, 10 में से कितना पॉइंट मिल सकता है, उसके ऊपर गौर देंगे। आप लोगों का भी राय ना सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है ठीक है, तो आप लोग कमेंट करेंगे एंड बताएंगे कि कैसा प्लेइंग 11 बन सकता है। मैं सबसे पहले बता दे रहा हूं, सबसे पहले स्क्वाड देखिएगा, उसके बाद लास्ट में जाकर स्क्वाड को पॉज कीजिएगा और पॉज करके ना एक प्लेइंग 11 लिखिएगा कमेंट में ठीक है, उसके बाद मेरा प्लेइंग 11 आप लोग देखेंगे ठीक है, तो ऐसा रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके। तो सबसे पहले अगर मैं स्क्वाड से स्टार्ट करूं वीडियो को, तो बैटर की लिस्ट में कौन कौन से खिलाड़ी है इस टीम में, सबसे पहले रिटेन कर लिया था, पहले ट्रेडिंग करके खरीद लिया था किसको, केएल राहुल को, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है इसमें कोई भी डाउट नहीं है। उसके साथ है क्विंटन डीकॉक, क्विंटन डीकॉक को ऑक्शन में खरीद लिया गया था, बहुत ही बेहतरीन विकेट कीपिंग चॉइस रहेगा। उसके साथ मनीष पांडे है, जिनको एज ए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की तरह आप खिला सकते हो, जिनके पास भरपूर एक्सपीरियंस है ठीक है। और उसके साथ अगर बात करें मनन घोड़ा भी है, जिनको आप एज ए बैकअप तरीके से ओपनिंग चॉइस रख सकते हो, और एविन लुइस को एज ए क्विंटन डीकॉक का ओपनिंग चॉइस आप रख सकते हो ठीक है। तो बैटर की लिस्ट में ना क्वालिटी बैटर है, एक भी आपको ऐसा बैटर नहीं दिखेगा कि युवा बैटर है, ऐसा नहीं दिखेगा, बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस्ड बैटर है। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑलराउंडर्स के लिस्ट देखने जाओ ना तो हैरान हो जाओ, क्योंकि इस टीम के पास जैसा ऑलराउंड ऑप्शन है ना, और किसी भी टीम के पास ऐसा ऑलराउंड ऑप्शन नहीं है। तो मैं बेसिकली मतलब मेरा राय है कि जिसके पास ना ज्यादा ऑलराउंड ऑप्शन रहेगा वही टीम सक्सीड करेगा, क्योंकि आप मुंबई को देख लो, जब जब ट्रॉफी जीता है उनके पास ज्यादा ऑलराउंडर था, जब जब चेन्नई ट्रॉफी जीता है उनके पास ज्यादा ऑलराउंडर था, तो ये ना एक बैलेंस क्रिएट करता है, एक ऑलराउंडर मतलब दो डायमेंशन खिलाड़ी है, मतलब दो चीज वो कर देगा, बॉलिंग भी कर देगा बैटिंग भी कर देगा, तो ऐसा ही खिलाड़ी ना मैच जिताता है T20 बेसिकली, मैं डेफिनेटली आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो ऑलराउंडर्स के लिस्ट में नाम आता है मार्कस स्टॉइनिस, जिनको पहले से खरीद लिया गया था, लेकिन उसके बाद अब दीपक हुड्डा को देखो, जो कि इंडिया में सेटल्ड हो गया है, बेहतरीन तरीके से दोनों फॉर्मेट खेल रहा है ठीक है, ओडीआई में भी खेल लिया और T20 में भी खेल लिया। उसके बाद आप जेसन होल्डर को देख सकते हो, जो कि वेस्ट इंडियन सबसे बेहतरीन खिलाड़ी रिसेंट टाइम में जेसन होल्डर ही है ठीक है, बॉलिंग से मतलब कारगर साबित होता है, बैटिंग से कारगर साबित होता है। आपको ना कभी भी नहीं देखेगा कि जेसन होल्डर ना एक्सप्लोसिव कर रहा है, मतलब एक्सप्लोसिव बल्लेबाज नहीं है, लेकिन वो टीम के हित में ना खेल लेता है बहुत बेहतरीन तरीके से, तो उस जगह पर क्वालिटी है। आप उसके बाद कृणाल पांड्या को देखो, भाई हार्दिक पांड्या का भाई अगर कृणाल पांड्या हो गया, पर मतलब भाई अगर कृणाल पांड्या तो कैसा खेलेगा वो आप अंदाजा ही लगा सकते हो ठीक है, मतलब तो भाई। उसके बाद आप कृष्णप्पा गौतम को देख सकते हो, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है। आप आयुष भदौनी को देख सकते हो, करण शर्मा और काइल मेयर, काइल मेयर से एक विदेशी खिलाड़ी है ठीक है। तो लास्ट में जो तीन खिलाड़ी है ये वही रिजर्व रहेगा, लेकिन आई थिंक ऊपर का सभी खिलाड़ी ना फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 ना खेलने का दम रखता है ठीक है। उसके बाद अगर हम बॉलर की बात करें तो रवि बिश्नोई को तो भाई ये टीम पहले से ही खरीद लिया था अपने टीम में, लेकिन उसके बाद अंकित राजपूत को लिया गया है फर्स्ट बॉलिंग ऑप्शन के तहत, आवेश खान को लिया गया है फर्स्ट बॉलिंग ऑप्शन के तहत, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है दिल्ली के लिए ना, लास्ट टाइम मतलब लास्ट सीजन मतलब 2021 के सीजन में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया था। उसके बाद आप मार्क वुड को देख सकते हो, जो कि इंग्लैंड के लिए खेलता है, गति बहुत ही बेहतरीन है ठीक, उसके साथ लाइन लेंथ सटीक डालता है तो क्वालिटी देगा। उसके बाद आप डी छमीडा को देख सकते हो, जो कि एक श्रीलंकन खिलाड़ी है लेकिन बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है ठीक है। उसके बाद आप सहवाग नदीम को देख सकते हो, एज ए बैकअप चॉइस रहेगा किसका, रवि बिश्नोई का, रवि बिश्नोई फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 में खेलेगा, लेकिन सहवाग नदीम ना एक लेफ्ट हैंडेड लेग स्पिन बॉलर है, मतलब लाइक कुलदीप की तरह। उसके बाद आप देख सकते हो मोहसिन खान को और मयंक यादव। तो ये था टोटल स्क्वाड, आप सभी लोगों को टोटल स्क्वाड कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताओ, स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो ले लो और अभी पॉज करो और एक प्लेइंग 11 रेडी करो और बताओ कि कैसा प्लेइंग 11 बन सकता है स्क्वाड से भाई। तो चलिए मेरा प्लेइंग 11 देख लो ठीक है, मतलब बहुत ही बेहतरीन प्लेइंग 11 बनेगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ओपन कौन करेगा ठीक है, तो केएल राहुल और क्विंटन डीकॉक, इसके अलावा आप सोच नहीं सकते हो ठीक है, मतलब ये तो बेहतरीन ओपनर है
ताबड़तोड़ तरीके से पारी को स्टार्ट करेगा एंड भाई नीचे जो आएगा ना उनके लिए कोई भी परेशानी नहीं रहेगा क्योंकि केएल राहुल भाई कंसिस्टेंट खेलेगा, उसके साथ भाई क्विंटन डीकॉक तो भाई है ही मतलब तरी लगाने को। तो उसके बाद अगर हम तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पे इस टीम में मनीष पांडे खेलेगा क्योंकि स्टेबिलिटी देने वाला खिलाड़ी मनीष पांडे ही है। क्योंकि उसके बाद जो आएगा ना वो आप देखो, सबसे पहले आई थिंक चार नंबर पे ना दीपक हुडा को खिला सकते हैं इन माय चॉइस, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो मार्कस स्टॉइनिस को मैं रखा हूँ पांच नंबर पे, छह नंबर पे कुणाल पांड्या, सात नंबर पे जेसन होल्डर। ये चार खिलाड़ी जो है ना फोर नंबर से सात नंबर तक ये सब खिलाड़ी में से ऊपर नीचे होता रहेगा, जिधर भी खिलाओ किसी भी खिलाड़ी को वो खेल देगा, ठीक है। चारों खिलाड़ी के पास हिटिंग एबिलिटी है, उसके साथ पारी को संभालने वाला क्वालिटी है, उसके साथ गेंदबाजी का क्वालिटी है। मार्कस स्टॉइनिस, जेसन होल्डर दो पेस बॉलिंग ऑलराउंडर है, दीपक हुडा और कुणाल पांड्या दो स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर है। तो आप किसको छोड़कर किसको खिलाओगे और किसको बॉलिंग करवाओगे वो आपका चॉइस है, मतलब के राहुल के पास चॉइस ही चॉइस है, ठीक है। उसके बाद आप आठ नंबर देखो कृष्णप्पा गौतम, ये भी ऑलराउंडर है। आप बताओ अभी मतलब कुणाल पांड्या एक लेफ्टी ऑलराउंडर है और भाई ये दो खिलाड़ी एक राइटी ऑलराउंडर है, मतलब दीपक हुडा और हमारा कृष्णप्पा गौतम ये दो मतलब राइटी ऑलराउंडर है तो बेहतर है, ठीक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। उसके बाद नो डाउट मैं मारबुक को खिलाना चाहूंगा और आवेश खान को फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 में खेलेगा। और लास्टली ना मैं 11 नंबर में तो रवि विष्णु को खिलाना चाहूंगा। तो क्वालिटी प्लेइंग 11 इसके ऊपर आपको नहीं मिलेगा, पेस बॉलिंग डालेगा मार्कुड, आवेश खान, जेसन होल्डर, मार्कस स्टॉइनिस, ठीक है। उसके साथ अगर स्पिन बॉलिंग की बात करें, स्पिन बॉलिंग डालने वाला खिलाड़ी है कृष्णप्पा गौतम, कुणाल पांड्या, सबसे बड़ा रवि बिश्नोई, उनको तो पता नहीं भूल गया। उसके बाद दीपक हुडा, मतलब कॉम्पैक्ट है, मतलब दो जेन्युइन पेस बॉलर, एक स्पिनर और बाकी सब ऑलराउंडर, ठीक है, मतलब चॉइस ही चॉइस, मतलब इसके ऊपर क्या बताए, ठीक है। तो देखो अगर मैं बेसिकली गहराई में जाकर सोचूं ना तो एक बात जरूर है कि इस टीम के पास जो बॉलिंग ऑप्शन है ना वो कुछ टीमों से तो भाई थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन इस टीम का जो बैटिंग का गहराई है ना वो किसी भी टीम को ना बीट कर देने वाला ऐसा मतलब टीम है। तो मुझे लगता है बेसिकली अगर मैं बात करूं कि ये टीम आप लोगों को कैसा लगा है वो जरूर से कॉमेंट करो, सबसे पहले बताओ। लेकिन अगर मुझे पॉइंट देना हो 10 में से पॉइंट देना हो ना तो मैं बेसिकली बताऊंगा कि ये टीम ना सिर्फ और सिर्फ अपना बॉलिंग की वजह से, मतलब बॉलिंग में बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है, मारकुड, आवेश खान और रवि विष्णु, ये तीन जेन्युइन बॉलिंग है, मतलब आप 12 ओवर तो भाई कंफर्म पकड़ के रखो कि ठीक ठाक आपको गेंदबाजी मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद जो जो बॉलिंग करेगा ना भाई, जेसन होल्डर को आप बता सकते हो कि भाई चार ओवर यू ही मतलब अच्छी तरह से डाल देगा, थोड़ा सा बॉलिंग में स्पिन बॉलिंग में ना एक खिलाड़ी के अलावा थोड़ा सा डाउट रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि मेकअप कर लेगा, ठीक है। तो उस जगह पर मैं सिर्फ अगर बॉलिंग की वजह से मतलब थोड़ा सा पॉइंट करूंगा, 9-10 में से तो 9 भाई ये टीम ही मिलेगा, इस टीम को 10 में से 9 मिलेगा, उसके अलावा नहीं मिलेगा, किसी भी टीम को 10 में से 9 नहीं मिलेगा, क्योंकि ये टीम के पास सभी विभाग में ना मतलब क्वालिटी खिलाड़ी है, ठीक है, आपको मानना पड़ेगा। लेकिन एक बात कि ग्राउंड में जब तक नहीं उतरेगा ना तब तक समझ में नहीं आएगा कि कैसा प्लेइंग 11 या फिर कैसा खेल खेल रहा है एक टीम, ठीक है। तो उस जगह पर डाउट रहेगा, उस जगह पर मतलब क्वालिटी तो भाई ऑब्वियसली मिलेगा आपको अगर आप लखनऊ का सपोर्टर हो तो अभी के लिए बस इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा जरूर से कॉमेंट कर बताओ और उसके लिए और भी वीडियो देखने के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर एंड इस चैनल को ना सब्सक्राइब कर देखो तो भाई मजा आएगा ये चैनल, मैं बता रहा हूँ। तो चलिए बाय बाय।